हेलो एवरीवन, आइए हम लोग एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, इस तरफ रिसिप्ट और अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट में पेमेंट और अमाउंट, ठीक है। क्या है सवाल? सवाल है फॉलोइंग वेयर बैलेंसेज ऑफ हेल्थ क्लब, किसके बुक में बना रहे हैं? तो हेल्थ क्लब के बुक में बना रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले लिख दिया इन द बुक्स ऑफ हेल्थ क्लब, ठीक है। क्या बना रहा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहां पे लिख दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां पे ईयर वगैरह नहीं दिया हुआ है, अगर दिया रहता तो यहां पे लिखा जाता फॉर द ईयर एंडिंग, जो साल दिया रहता उस साल को यहां पे लिख देते, ठीक है। तो हम लोग बना रहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में सारा कैश रिसिप्ट और क्रेडिट में सारा कैश पेमेंट दिखाते हैं, मतलब कि जो भी रुपया प्राप्त हुआ है उसे डेबिट में और जो भी रुपया का भुगतान किया गया, पेमेंट किया गया, उसे क्रेडिट में। तो देखते हैं सवाल। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश का भी बैलेंस है ओपनिंग और बैंक का भी बैलेंस है। तो जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वही ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड कितना है 5000 और कैश एट बैंक कितना है 25000। दिखा दिया। इसे ऐसा भी कर सकते थे कि अंदर 5000-25000 दिखाकर सीधा जोड़कर 30000 बाहर दिखाते, वैसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो ओपनिंग बैलेंस है वो सबसे पहले दे दिया। अब जो भी सारा रिसिप्ट हुआ है कैश का वो डेबिट में दिखाना है। तो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन जो है कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का मेन सोर्स होता है। तो इससे रिसिप्ट हो रहा है पैसा, आ रहा है पैसा। तो यहां पर लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन कितना 1,65,000। उसके बाद डोनेशन, इसमें भी पैसा मिलेगा, आ रहा है पैसा। तो यहां पे लिख दिया टू डोनेशन कितना आ रहा है 35,000। उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, पैसा का पेमेंट हो रहा है, पैसा जा रहा है हमारे पास से। तो उसे कहा लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट परचेज कितना 80,000। इसके बाद रेंट पेड, इसमें भी पैसा जा रहा है हमारे पास से, पेमेंट हो रहा है, इसे भी क्रेडिट में रेंट पेड 20,000। उससे आगे आते हैं जनरल एक्सपेंसेस, ये भी खर्च है, पेमेंट हो रहा है जनरल एक्सपेंसेस कितना, ये है 21,500। उसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी, बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी, इस पर भी खर्च हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, इसे भी दिखाएंगे पेमेंट के साइड में, क्रेडिट साइड में। उसके कोरियर चार्जेस, बाय कोरियर चार्जेस, ये कितना है 1000, ये दिखा दिया। उसके बाद बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड। और
यहाँ क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ, तो भाई क्लोजिंग कैश बैलेंस को हम क्रेडिट में दिखाएंगे सबसे अंत में, बाय बैलेंस सीडी क्या है, कैश इन हैंड कितना है 12,000। जब क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है तो जो भी हमारा बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड में वो हमारा क्या निकलेगा, कैश एट बैंक, है ना। अगर कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहता तो फिर हमारा जो बैलेंस निकलता, अगर इससे भी ज्यादा हुआ था, पेमेंट कम हुआ था, तो जो बैलेंस निकलता वो क्लोजिंग कैश इन हैंड निकलता। पर क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है तो जो हमारा बैलेंस निकलेगा वो क्लोजिंग कैश एट बैंक निकलेगा। तो अब इसे टोटल करते हैं, तो भाई 10, 15, 20, 5, 6, 11, 2, 13, 2,30,000 बैलेंस कैसे करना है, तो भाई रिसिप्ट साइड का टोटल 2,30,000 और इस 2,30,000 में ऊपर का ये यहां से यहां तक का जो सारा अमाउंट है इसे जोड़कर इस 2,30,000 से घटा देंगे, तो उसे करते हैं तो कितना होता है, आएगा हमारा 91,000। ये जो बैलेंस निकला क्या निकला, हमारा निकला क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश एट बैंक, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। क्योंकि कैश इन हैंड ऑलरेडी दिया हुआ था तो जो बैलेंस निकला हमारा वो निकला क्लोजिंग कैश एट बैंक। तो ये एक बन गया रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।